हेलो, आज आई प्रोमिस्ड आई विल मेक ए डाइवर्जेंस वीडियो। सो टुडे आई विल शो यू हाउ डाइवर्जेंस टुडे हैपन एंड अभी ये कैसे काम करने वाला है एवरीथिंग इन बैंक निफ्टी फ्यूचर। बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज डाइवर्जेंस। एक्चुअली डाइवर्जेंस बिटवीन डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड बिटवीन इंडिकेटर्स एंड प्राइस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस। और ये डाइवर्जेंस काम क्यों करता है, व्हाई डाइवर्जेंस वर्क। इन शॉर्ट, द डाइवर्जेंस शोज अस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस मूवमेंट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू अवर इंडिकेटर्स। ओके, एंड मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स आर यूजिंग RSI और यू कैन से MACD फॉर दिस डाइवर्जेंस। बट हम लोग कुछ RSI हो गया, MACD हो गया, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस। वी आर यूजिंग सेम कैंडल स्टिक कंपेरिजन बेसिस विथ आवर कैंडल स्टिक। वी आर वट एवर वी आर यूजिंग इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अदर प्लेटफॉर्म फॉर द डाइवर्जेंस। ये देखिए, मॉर्निंग से बैंक निफ्टी इज इन ए अपसाइड मूवमेंट, स्टिल ऑल्सो अपसाइड मूवमेंट, बट प्राइस इज क्लियरली डाउन। सॉरी, डाइवर्जेंस हियर सी completely downside moment. Okay, here candle is going up, but the real strength of this price, real strength of this price is going down. Dekho, clearly divergence going down, ye niche ja rahe hai abhi. Okay, so this is called the real divergence. यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस ऊपर जाने के लिए, दे डोंट हैव द रियल स्ट्रेंथ, दिस इज ओनली द फॉल्स मूवमेंट। यहां से यहां जो मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट इज ओरिजिनली ए फॉल्स मूवमेंट। इफ यू आर पार्टिसिपेट हियर ऑल्सो बुकिंग प्रॉफिट, दैट इज योर लॉक क्लियरली। ओके, एंड दिस इज द ओरिजिनल मूवमेंट शोइंग हियर, सी गोइंग डाउन। सेम कैंडल स्टिक, सेम स्ट्रेंथ, सेम प्राइस, बट डिफरेंट मैनर, वन इज गोइंग अप, वन इज गोइंग डाउन। ओके, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, जस्ट वेट। व्हेनेवर दिस स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्राइस अगेन ब्रेक्स दिस लेवल, दिस इज द सपोर्ट लेवल, ऊपर जाके कभी इसको तोड़ रहा है, देन यू हैव टू enter for sell side. For the more confidence, you can make one line also here. You can add more quantity here. Once it will break this level, so wait for the things. But this is movement what you are watching in our candlestick, or you can say in our price, that is completely freak, completely freak. This is bolte hain freak out. Okay. And movement what is happening here, this is the original. If price movement is going up, you should be go up, but the jo bada movement hai, dekho 1115 se up tak hai, dekho higher high, lower high, abhi ye lower high ke paas hai. Agar yahan se ye niche ka movement de raha hai, इसको तोड़ रहा है, देन यू कैन इजीली शॉर्ट हियर इजीली। ओके, सो आई पॉज हियर एंड विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन वंस दिस क्राइटेरिया विल बी हैपन। एंड यू सी दिस अनदर माय टूल इज सेइंग, सी दिस इज अ कंप्लीटली स्ट्रेट, नो मूवमेंट इज हियर। हाउ यू कैन से दैट यू डू यू हैव टू गो फॉर ए बाइंग ट्रेड, नो, बाय ट्रेड इज हियर is a foolishness. Just wait for short trade, just wait the right moment. Only you have to short here, once it will break this line or once this level. Okay, adding more for short position here only. Okay, so I pause here now. And on that you will see it a crossover here, a clear crossover you will find here. Okay, so now we pause kar now. Okay, आज आई टोल्ड ये लाइन क्रॉस करेगा, अपने को सेल करना है। अब देखिए खूबसूरती के साथ ये लाइन जब क्रॉस किया, प्राइस था यहाँ पे 3500,
898, right? And now 10 minutes ke andar price 35797. Sochi, within 10 minutes this giving 100 points fall. Bola tha main isko jab cross karega ye level ko fir aapko add on karna hai. Right? Abhi dekhiye, this is the power of divergence. This is the power of divergence. Okay. अब देखिए RSI भी नीचे आ चुका है. ओके, मैं आपको अभी ये प्राइस के हिसाब से दिखाता हूं. यस, दिस इज बैंक निफ्टी 35,900 PE, राइट. लास्ट 10 मिनट्स में इसका मूवमेंट देखिए. लास्ट 10 मिनट्स, ये लास्ट 10 मिनट पहले 251 and high 333, 80 points moment within 10 minutes. Power of divergence. अब देखिए और जाएंगे चलाएगा. हो गया. I'll show you clear cut divergence. मैं अभी ये जो drawing है इसको निकाल देता हूँ पहले. उसको नहीं, मैं ये होने के बाद मैं आपको reason समझाता हूँ. तब तक थोड़ा मैं अभी pause कर लेता हूँ. Okay. ओके, आई विल शो यू नाउ. आप देख लो, अभी ये मैं जो ड्राइंग डाला था इसको मैं क्लियर कर देता हूँ. फिलहाल इसको मैं डिलीट मार देता हूँ. अभी आपको मैं दिखाऊंगा एक एक करके. सी द फ्रॉम मॉर्निंग बैंक निफ्टी प्राइस इज इन अपवर्ड, बट यू चेक हियर, आई एम शोइंग समथिंग, यू चेक हियर, दिस इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम इन द सर्टन लेवल, राइट. Means price is momenting like this originally as a moment over, and after that see the direction in a channel and it's going to upward, but here you can say the direction is going completely downwards. See here, this is a, आपको नहीं लग रहा है कुछ मतलब डिफरेंट चल रहा है यहाँ पे? देखो ये ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट मैन, सेम कैंडल. एंड वन मोर थिंग, देखो यहाँ पे हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, ये लेके गया ऊपर, ब्रेकआउट दिया इसको, फिर देखो उसी जो लोअर हाई बनाया था ना उधर से ही सपोर्ट लिया. मैं बोला था ना आपको, ये अगर इसको काट रहा है देन यू हैव टू सेल मोर, आपको सेल करना है ये जगह पे. देखो सेम चीज किया गया, यहाँ पे आपको ट्रैप किया प्राइस पे, फिर नीचे लाया, और ये आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, अभी नीचे जाने वाला. देखो अब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई आपके लिए एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, यू विल सी. इसके सीधा ही इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है. देखो मतलब दिस ग्रीन कलर कैंडल में ही ब्रेकआउट हो गया था, मतलब नीचे के लिए, जबकि प्राइस के हिसाब से अभी हो रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस, यू हैव टू कैच. एंड वन मोर थिंग, आई टोल्ड यू, सी दिस इज कंप्लीटली फ्लैट मॉर्निंग से समथिंग इज, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तो फ्लैट हुआ है ना. और प्राइस देख लो अभी एटीएम का, 35,900 का प्राइस देख लो, 248 से हाई मारा था 333, अभी भी चल रहा है पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस, यू हैव टू कैच दिस इन द वे व्हाट आई एम सेइंग. नो RSI, RSI का मूवमेंट देखो वो आपको इतना सटीक नहीं बता पाएगा. दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड डाइवर्जेंस इन प्राइस ऑल्सो, इन कैंडल ऑल्सो. दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक वी कैन कैच टूडे. सी 35915 से नीचे गया 35750. ओके, ऑलमोस्ट 115 पॉइंट्स विद इन 10 मिनट्स हो गया. बस दैट्स कॉल्ड द डाइवर्जेंस. इफ यू वांट रियली दिस टाइप ऑफ स्टॉप्स, इंटरेस्टिंग स्टॉप्स, ना कि RSI में डाइवर्जेंस आ गया सेल कर दो, RSI डाइवर्जेंस आ गया, MACD में डाइवर्जेंस, नॉट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, समथिंग डिफरेंट वे, यूनिक वे, यू कैन से द एडवांस थिंग्स.
You can follow my Telegram also for this type of more stops. This is my Telegram, Stockist the Trader. You can follow and you can find this type of more advanced and technical interesting facts which really smart money are using for this. And I can request you can just go away from traditional ways, because जो पुराने हो जाता है, popular हो जाता है, वो एक दिन खत्म हो जाता है उनका. ये RSI, MACD, divergence वगैरह, इसको बंद करो. अभी ये type चीज आप देखो, मैं बोला था, once यहाँ से breakout आएगा, market will go down. See, 150 points in easily you can catch. Easily. देखो यहाँ से, देखो, 35624 से 35951 आपको लगा 11 o'clock से 210 means 3 hours, but 10 minutes में इसका 80% इसने crossover को मतलब cover up कर दिया falling. Okay, देखो और भी नीचे भी जा रहे हैं, falling starts और भी नीचे जा रहे हैं. Okay, just wait and watch. Okay, आज के लिए बस इतना. Just मैं pause करता हूँ. If interesting facts again coming, I will update you. Otherwise, I clear my complete my video here. Thank you. See, red by red, continuous falling. यहाँ पे price movement देखो, continuous upside. So, see, this is called the way to track. Nowadays, I add this this technical view in my training program also. If you are interested, can contact with me through Telegram. Okay, this is another matter, but you just check how divergence we have to catch. Okay, chalo main rakhta hu fir. Thank you, thanks for watching. Happy trading. Okay, jaise maine aapko bola tha, dekh lijiye, 200 points ka fall within 15 minutes and our ऑप्शन में, ये तो फ्यूचर में हो गया 200 पॉइंट्स का फॉल. ऑप्शन में देख लो, मैं लिख के रखा हूं 110 पॉइंट्स विद इन 15 मिनट्स. सोच लो 15-20 मिनट्स. और यहां पे भी बोल दिया था, देखो जैसे ही ब्रेकआउट आ गया यहां पे क्रॉस ओवर आ गया. सो दिस इज द थिंग. ओके, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. प्लीज सपोर्ट मी फॉर दिस टाइप ऑफ स्टॉप्स इन कमिंग डेज. थैंक यू.